मिनट, विषय नहीं था लेकिन चूंकि कृषि मंत्री जी ने विषय उठाया है और ये कहा है कि यहाँ कोई अगर सोयाबीन के उत्पादक लोग बैठे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल का जो पैसा मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा है। मैं कृषि मंत्री जी को संबोधित करके कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सोयाबीन की बहुत बड़ी फसल उगाता है और मेरे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत उगता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। इधर संबोधित करें जी, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी, पिछले 3 बार से सोयाबीन की फसल पाले से बर्बाद हो रही है। फली पूरी होती है, अंदर दाल का दाना नहीं होता बिल्कुल, लेकिन पाला चूंकि प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है तो पैसा मिलना तो दूर, सुनिए, पैसा मिलना तो दूर, मुआवजे की राशि उनको नहीं मिलती क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है। तो चूंकि आपने सोयाबीन के किसानों के बारे में कहा कि उन्हें पैसा बहुत मिल रहा है, मैं उनका दर्द इस सदन में रखना चाहती हूँ। 3 बार से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है और पाले के कारण हो रही है, लेकिन चूंकि पाला प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है इसलिए उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ का किसान रो रहा है। That was the position. Last year, there was a delegation under the leadership of Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Shivraj Singh Chauhan, met me and Honorable Prime Minister and Finance Minister. उन्होंने एक सुझाव दे दिया कि पाला का स्वीकार ये प्राकृतिक आपदा में नहीं है, इसकी स्वीकार होने की आवश्यकता है। उनका जो सुझाव था इसका स्वीकार भारत सरकार ने किया और इस साल से पाला से नुकसान होगा, उनको भी मुआवजा देने का काम भारत सरकार करेगी। धन्यवाद देती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। प्रश्न संख्या